इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश की आधी आबादी हैं हम महिलाएं, समाज और हर परिवार की रीढ़ हैं हम महिलाएं, और हम महिलाएं जो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती हैं, आपके और हमारे लिए ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा सा अनकंफर्ट दे जाता है, लेकिन देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी महिलाएं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए या फिर इसे फेस करने के लिए विकल्प तलाशती हैं, या फिर ये कहिए कि उनके पास विकल्प होता नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, या फिर पैसे की परेशानी है, या फिर वो जानती नहीं है कि अगर इसमें सही विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया तो गंभीर बीमारी हो सकती है। आंकड़े कहते हैं कि करीब 27% महिलाएं जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखने से गंभीर बीमारियों का शिकार हुई हैं। और ऐसी ही देश की तमाम महिलाओं तक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहा है शी विंग्स फाउंडेशन। और आज हमारे इस बेहद खास एपिसोड में हमारे साथ हैं शी विंग्स फाउंडेशन के फाउंडर मदन मोहित भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ ही टीम मेंबर गुरवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल आया, कहां से ये जर्नी शुरू हुई, कैसे मन में आया कि उन महिलाओं की मदद की जाए जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, या फिर यहां पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रख के गंभीर बीमारियों का ये महिलाएं शिकार हो जाती हैं। रचना जी, 2010-11 में मैं एक जर्नलिस्टिक स्टोरी के लिए बिहार राज्य में था। वहाँ पर मेरे एक मित्र कलेक्टर थे किसी जिले में, जिनके साथ मुझको रात में मिलना था। रात में वो डिनर पे नहीं आए, मैं उनसे नाराज़ हुआ, वापस दिल्ली आया, मैंने उनको मैसेज किया लंबा चौड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी गांव में 3 महिलाओं की अचानक से मौत हुई थी, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात में कराना था। तो पता लगता है कि जब थोड़ा ज़्यादा मैंने उत्सुकता दिखाई तो उन्होंने बताया कि उस गाँव में जो महिलाएँ हैं उनकी डेथ सेप्टिक की वजह से हुआ है। तो फिर उस गांव के, उस एरिया के SDM, उस पंचायत के प्रधान से जब कांटेक्ट किया गया तो बताया कि इस पूरे गांव में जो महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि इस पूरे गांव में तकरीबन 80% महिलाएं जो हैं, 90% महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के दिनों में ओल्ड जो पुराना ब्लाउज होता है, ब्लाउज इस्तेमाल करती हैं, और ब्लाउज पे जो हुक होता है वो लोहे का या आयन का बना होता है जिस पे जंग लग जाता है। अब पुराने ब्लाउज को इस्तेमाल करने से जंग लगा वाला हुक का हिस्सा है उसको वो अपने प्राइवेट पार्ट पे रखती थी, और उस वजह से बहुत सारी 3 महिलाएं तो वो थी। इनफैक्ट हिंदुस्तान में आज भी गांव में अगर सुदूर आप ऐसे एरियाज में जाएंगे जो पिछड़े इलाके हैं तो वहाँ पे चेकअप्स और हेल्थ फैसिलिटीज इतनी नहीं है। इनको हम लोग मानते हैं कि उनका जीवन था चला गया, भगवान को यही मंजूर था, भगवान को मंजूर नहीं था, हमारे पास उपलब्ध साधन नहीं थे। 2011-12 में हमने सोचा कि हाईवेज बनाना, मेट्रोज बनाना, अंडरपासेस बनाना, ये सब एक शहरी जिसको हम विकास बोलते हैं। सही मायने में विकास क्या है कि जब आपका स्वास्थ्य, बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट, सो आपका स्वास्थ्य ठीक है तब आप काम कर पाएंगे, और वही रिमोट एरियाज में नहीं पहुंच पाता। एक तबके में हिंदुस्तान में ऐसा एक मिसकंसेप्शन कुछ लोगों ने दिया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर दीजिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दीजिए, अरे उसमें आप सर्विसेज नहीं देंगे तो वो हॉस्पिटल बिल्डिंग बेकार है, राइट। तो हमने सोचा कि ये एक एरिया है जिस पे काम करना चाहिए, और उसमें बहुत डिफिकल्ट था 2011 में काम करना, 12 में काम करना, क्योंकि उस समय आप नौकरी भी कर रहे होते हैं अपनी और साथ साथ ये काम शुरू करते हैं। हल्के हल्के करके हमने 2016-17 तक एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे वॉलेंटियर्स का तैयार हुआ, और हम सब लोग जो कहते हैं ना कि सेम सेट ऑफ माइंड के लोग थे। तो जब आपके वैचारिक विचार मिलते हैं तो आप एक मुहिम से जुड़ जाते हैं, और हल्के हल्के कारवा बढ़ता गया, मुहिम बढ़ती गई। इनफैक्ट बॉलीवुड की जो फिल्म आई उनमें भी हमको क्रेडिट दिया गया। तो आप गांव देहात के इलाकों में गए तो आपने क्या माना कि महिलाओं ने इसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया, महिलाओं को लगा कि नहीं ये तो वेस्ट है, इसमें पैसा क्यों वेस्ट करना, या फिर वो अवेयर नहीं थी कि ये गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से बीमारी हो जाएगी? पहली चीज़ तो क्या था, उनको लगता था कि एक नीड नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा जो कपड़ा है, ब्लाउज है, अखबार है, टी शर्ट है, शर्ट है, रुई है, वो उसी से काम हो जाएगा, राइट। बट होता क्या था कि उससे फ़ायदा तो उनको होता नहीं था, नुकसान होता था। उसके बाद जो उनके अंडरगारमेंट्स रहते थे, और आज भी तकरीबन 50% घरों में जो फीमेल अंडरगारमेंट्स है उसको चादर के अंदर, टावल के अंदर पूरा रैप करके और पेटीकोट के अंदर ऐसे डाला जाता था, राइट। वेर एज वुमेन, जो मेन अंडरगारमेंट्स हैं उनको बहुत फ्लॉन्ट करके डाला जाता है, राइट, कोई पर्टिकुलर ब्रांड है। तो आप समझिए कि जो अंडरगारमेंट्स हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है साथ साथ सैनिटरी पैड के, जो कि आपका जो मासिक धर्म का जो पूरा प्रोसेस है ना उसको बहुत क्लीन और हाइजीनिक रखता है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आप फैक्ट समझिए, हालांकि इसको अच्छा नहीं बोलूँगा, कि आज भी 70% घरों में महिलाएँ समझा जाता है कि नो दे टेक केयर ऑफ़ दी फैमिली, वो पूरा घर चलाती हैं,
नौकरी भी करती हैं और वो अपना ख्याल नहीं रखती, नौकरी भी करती हैं, घर का भी ख्याल रखती हैं, बट वो अपना ख्याल नहीं रखती, राइट। बट उनका ख्याल रखने में बहुत सारी चीज़ें, जैसे घर पे अगर खाना बनाएं, एक महिला का आप जो ब्लड है, आप समझिए जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, 100% मेंस्ट्रुअल ब्लड में से 70% तो म्यूकस टिश्यूज और आपके बाकी चीज़ें रहती है, 30% ब्लड होता है उसमें, मेंस्ट्रुअल ब्लड में, उस 30% ब्लड का हर महीने निकलना है, तो यानी कि बहुत ज़रूरी है कि उनको यू नो एनीमिया और ब्लड की कमी रहती होगी। तो यानी कि जितना आयन एक पुरुष खाता है, महिला को उसका 3 गुना आयन खाना है महीने में, अगर डिफिशियंसी नहीं होना है। बट होता क्या है कि हमारे घरों में पहला थाली जो जाता है वो पुरुष को जाता है, बचा हुआ अगर सब्जी बची, दूध बचा, कुछ बचा, तो वो माँ को जाता है। और कहा जाता है कि माएँ जो हैं, माओं को बीमार होने का हक नहीं होता। अगर सोचिए एक दिन घर की माँ बीमार हो जाए तो पूरा घर आसमान पे रहता है। गुरबानी, आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम तो आती होंगी, मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ बिल्कुल ठीक कहा अंडरगार्मेंट्स खुले में नहीं सूखते हैं, तो पीरियड्स तो ऐसी चीज है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं करती। जब गांव के एरियाज में आप जाते हैं तो महिलाएं बात करती हैं इस बारे में या शर्माती हैं? बहुत बहुत शर्माती हैं वो। और उससे पहले क्या होता है कि जब आप जाते हैं पहले तो आप घर में जब जाने की कोशिश करते हैं, पहले पुरुष बाहर आते हैं, ठीक है, और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई भी उनकी वाइफ से क्यों बात करने आया है। क्या और आपकी टीम में तो खुद बॉयज होते होंगे? यस, देयर आर बॉयज, तो इट्स नॉट कि ओनली गर्ल्स जा रही हैं और क्या बात कर रही हैं, फिर सब महिलाएं इकट्ठी होती हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो कई बार वो सीरियस लेती भी है, कई बार नहीं भी लेती है कि हमारा चल रहा है हमें चलने दो, अरे क्या नई चीज ले आए, करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तो उन्हें समझने में बहुत टाइम लगता है और काफी मेहनत भी लगती है उन्हें अलग अलग तरीके से बताने में, डेमोन्स्ट्रेट करने में कि आपको यूज करना है, आपको डिस्पोज करना है और अपना कैसे ख्याल रखना है, लीकेज का ध्यान रखना है। मदन जी, ऑल ओवर इंडिया आपकी टीम पहुंची, लोगों तक हेल्प पहुंचाई, कितने एरियाज कवर किए आपने और किस किस तरह के एक्सपीरियंस आपको हुए? जैसे अभी गुरबानी ने कहा कि पहले तो घर के मेल्स बाहर निकलेंगे, अच्छा क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है, पुरुषों का सपोर्ट मिलता है जब आप ग्राउंड पर जाते हैं? रचना जी देखिए, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, मुझे लगता है 2050 भी कम पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकारें, हम, आप सब मिलकर जितना कोशिश किया है, अभी भी 75% महिलाएं हैं जो इस्तेमाल ही नहीं करती हैं इस प्रोडक्ट को, और इस्तेमाल करने के बाद उनको लगता है कि जैसे एक प्रॉब्लम क्या है कि 6 महीने में 6 घंटे के अंदर आपको पैड को चेंज करते रहना चाहिए, राइट, वो एक ही पैड को पूरे दिन इस्तेमाल करती हैं, तो यानी कि बीमारी बढ़ना, बीमारी को बुलावा देना। दूसरा कि जो उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, जो जिसको हम कहते हैं कि जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, जब आप इस्तेमाल कर लेती हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपको उसको फेंकना कैसे है, एक सबसे बड़ी मुसीबत हिंदुस्तान ही नहीं पूरे यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के लिए है कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट को कैसे फेंका जाए, उसको प्लास्टिक में नहीं डालना है। इनफैक्ट सविता जी बताएंगी कि वो क्या करती हैं, जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है वो कैसे, उस पे क्या निशान लगाती हैं, वो अच्छी तरीके से शायद बताएंगी। आपके टीम मेंबर्स हैं, सविता जी हैं, ममता जी हैं, टीना हैं, प्रीति हैं। पहले सविता जी बताइए, जब आप घरों में जाती हैं तो हेल्प कैसे पहुंचाती हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं वो कैसे आपकी बात सुनती हैं, और जब पुरुष सुनते हैं तो क्या कहते हैं? उनको थोड़ा बुरा लगते हैं, वो महिला के उनको इकट्ठा होते हैं तो उनको समझा के बताते हैं, ऐसे ऐसे मतलब इस्तेमाल करो, ऐसे ऐसे मतलब बीमारी नहीं फैले, लेकिन बहुत सा ले लेते हैं, बहुत सा न भी लेते हैं, लेकिन उनको समझाने के क्यों नहीं लेते हैं, क्या लगता है उनको? लगते हैं कहती से चलो कपड़े से मतलब काम चल रहे हैं, पेटीकोट के कपड़ा से काम चल रहे हैं, मतलब लगते हैं। तो आप बताती हैं कि बीमारी हाँ, हो सकती है? अब मैं बीमारी होने के बताते हैं तो वो अब लेने लगे सब, अब धीरे धीरे अब सब लेने लगे, अब जहाँ जहाँ गरीब है, जहाँ जहाँ झुग्गी है, स्कूल है, हर जगह जहाँ तक पता है से गरीब है तहाँ तक पहुँचाते हैं, मतलब सर बोलते हैं सर जहाँ तक गरीब देख रहे हैं तहाँ तक तो पहुँचा। प्रीति बताइए, कैसे जाती हैं लड़कियों के बीच में, क्या बताती हैं लड़कियों को? अपने स्कूलों में भी हम जाते हैं तो वही बोलते हैं कि ये फ्री में है, कोई इसका पैसा तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंटली लो और इसे यूज करो, इसे अच्छे से रैप करके और जो लिपस्टिक का निशान होता है प्रॉपरली इसे लगा के, ताकि वो गार्बेज वाले को लगे कि आपका अलग चीज है, वो अलग इजी से कर सके अलग, तो वो हैप्पी हैप्पी ले लेते हैं क्योंकि फ्री का तो हर कोई लेना चाहता है। और जैसे बता रही हैं कि हर जगह जाते हैं, तो मैं तो अभी 2 ईयर से जुड़ी हुई हूँ और टीना
ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि नहीं हमें भी अब करना चाहिए, हम बड़े हो गए, मैच्योर हो गए हैं। टीना, स्कूल की कई लड़कियां ऐसी हैं जब शुरू में प्रॉब्लम होती होगी तो कई बार तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती होगी कि नहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पता नहीं स्कूल में क्या हो जाएगा, डर के मारे लड़कियां छुट्टी कर लेती होंगी। वो इसलिए करती हैं कि मतलब उन्हें भी डर रहता है। हाँ, पेट वेट में कभी कमर में दर्द होता है, पीरियड्स में कभी पेट में होता है किसी किसी का, तो उन्हें भी डर बैठा रहता है। ममता जी, वो रेड डॉट कैंपेन क्या है, वो रेड डॉट कैसे बनाते हैं, कैसे समझाते हैं? लिपस्टिक लगा के और वो रोल करके वो फिर डब्बा में डाल देते हैं। आप बताते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, फ्री में मिलेगा, इसे इस्तेमाल करेंगी तो बहुत लोग को बांटा तो सेहत ठीक रहेगी। हाँ, हम तो बहुत अलीगढ़ तक लेके जाके मैंने बांटा है, सर ने दिया है बहुत कुछ, वो सब गरीब आदमी को सबको मैंने अलीगढ़ में गांव में भी मैंने बांटी, अलीगढ़ गई थी, अलीगढ़ में सारा कुछ लेके गई, सबको बांटा मैंने, मांस बांटा तो वो भी बांटा, सब कुछ मैंने लेके जाके बांटा अलीगढ़ में। अच्छा, कई गांव तो मदन जी ऐसे हैं जहाँ स्टोर तो दूर, कोई छोटी मोटी दुकान भी नहीं होती, जनरल स्टोर भी नहीं होता कि अगर महिलाएं चाहती भी हैं कि जाकर खरीद लें तो नहीं खरीद पाती, पैसे ना आते हैं। दो बातें हैं कि एक तो पैसे तो इंसान के पास हर चीज के लिए निकल आते हैं, मतलब जैसे कि घर का जो पुरुष है वो रिक्शा भी चलाता है, कितना भी गरीब है उसको शराब पीना है तो उसके पास पैसे कहीं से भी आएंगे शराब पीने के लिए, लेकिन अगर पैड खरीदना है तो शायद उसके लिए पैसे नहीं आएंगे क्योंकि उसको उसकी जरूरत पता नहीं है, उसको पता नहीं नुकसान कितने होंगे। तो हम जब जाते हैं तो जैसा कि गुरबानी ने भी बताया, शुभेंद्र जाके जो पुरुष घर का है, बिकॉज हमारे यहाँ गाँव में तो इनफैक्ट पुरुष प्रधान देश ही बोला जाता है आज भी। मैं नहीं मानता हूँ, मेरे को लगता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो एक ऐसे जॉब में है जहां पर उनको, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, इंसान एक काम करता है और उसको उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, तो हाउसवाइफ्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम पुरुष को, क्योंकि जो टैबू है बेसिकली महिलाओं को जो कहना चाहिए हिचक है वो महिला के साथ या बच्ची के साथ नहीं है, वो उनको पुरुष के साथ में है। जैसे कि उस गुड़िया ने बताया कि वो मेडिकल स्टोर पे जाके, उसको लगता था कॉस्मेटिक पे जाके कि जिससे मांगूंगी वो तो पुरुष है तो मैं उसको कैसे बोलूंगी। अभी अगर आप देखें तो 2020 में इनफैक्ट जो काउंसिल है पूरा सॉफ्टवेयर्स का, जो फोन्स को इमोजीज देता है, उसमें हम लोगों ने भी 2-3 बार उनसे जब कॉन्वर्सेशंस किए, तो भी आप अगर पीरियड टाइप करेंगे ना अपने टेक्स्ट मैसेज में किसी भी फोन में, मतलब आप आईफोन यूज करें, ब्लैकबेरी करें, कोई फोन यूज करें, तो आपको एक ब्लड का साइन आ जाएगा, तो आपको पूरा बोलने का जरूरत ही नहीं है दैट आई एम ऑन माय पीरियड्स, राइट। बट ये चीजें महिलाओं के साथ गांव में दिक्कत है, तो कमी, मतलब जो समझ है ना, वो समझ समझाना बहुत बड़ा एक काम है। इस्तेमाल करना इंसान तब शुरू कर देगा, जैसे कि रेमडेसिविर था, कोई इंजेक्शन था XYZ, कोविड में हमको समझ में आया कि इसकी तो बहुत रिक्वायर्ड है, जब लोगों में अवेयरनेस आई तो वो ऐसा हुआ कि उसको मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे ही अगर ये समझ में आ जाए कि कपड़ा लगाना, कपड़ा ना लगाना, गंदा कपड़ा ना लगाना, अखबार लगाना, ये तो बहुत, अखबार लगाना, हमारे ऑफिस में एक लेडी आया करती थी जो डस्टिंग किया करती थी, तो हम लोग आर्काइव बना के न्यूज़पेपर्स का रख दिया करते थे डेट के हिसाब से, वो गायब हो जाता था अखबार। तो सूरज यहाँ बैठे ऑडियंस में, सूरज को मैंने पूछा कि ये गायब क्यों हो जाता है अखबार, एक बार हुआ, दो बार हुआ, रिपीटेडली जब 5-7 बार हो गया तो मैंने कहा उस लेडी को बुलाओ, तो उसने कहा कि दीदी लेके चला जाता है अखबार। तो दीदी से पूछा, दीदी ने कहा कि मैं, मेरे घर में बच्चियां हैं मेरी, मैं हूं, तो हमको महीना होता है तो हम ये अखबार ले जाते हैं, उन अखबार पे पिज्जा बर्गर और खाना वाना खा के इंसान, पुराने अखबार होते थे उनको इस्तेमाल करते थे। तो समझिए कि जो बीमारी है वो, मतलब कितनी सारी डेथ है जो अनअकाउंटेड है और जिसका एक रीजन है हाइजीनिक ना होना। आपने कहा कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी डेथ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि हाँ किस वजह से उनकी डेथ हुई, खासतौर से जो गांव देहात के इलाके हैं। आप तो खुद एक जर्नलिस्ट थे, तो क्या आपने इस पर रिसर्च की, आपने ये मालूम किया कि हाँ इस वजह से महिलाओं की डेथ हो जाती है या गंभीर बीमारी हो जाती है और मुझे पहल करनी है, और आपके घर वालों ने इस कदम को कैसे लिया? देखिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं और वो बड़ा आउट ऑफ लीग रहता है तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इनफैक्ट परिवार बहुत सपोर्ट करता है, इनफैक्ट मेरे घर में, मैं दूसरा क्या बोलूं, मेरे घर में भी शुरुआती दौर में मेरी सिस्टर जब उस, मतलब उसको भी जब पीरियड्स होते थे तो वो पूजा नहीं करती थी, और मेरी मदर से और सिस्टर से बहुत आर्ग्यूमेंट रहते थे इस चीज को लेके। और मेरा फैमिली नहीं, इनफैक्ट आज भी मैं बात कर रहा हूँ पढ़ी लिखी फीमेल्स की जो कि लीडरशिप रोल्स में है बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में और पॉलिटिक्स में और स्पोर्ट्स में, आज भी उनको साइकिल होता है, यकीन मानिए वो पूजा नहीं करती है।
आप अखबारों में कितना भी उस सब्जेक्ट को समझ लीजिए, लेकिन ये अभी भी टैबू है। और शायद यू नो एक पुरुष के लिए PCOD, ओवेरियन सिस्ट, ये सब पढ़ना, पूरा साइकिल समझना, UTI समझना, प्रेगनेंसी समझना, बिकॉज यू नो बहुत डिफिकल्ट था। और अभी हल्के हल्के जब चीज़ों पे रिसर्च करते गए, जब बहुत ज़्यादा स्टडीज़ किया, डेटा समझा सारा, वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास क्या चैलेंज है, हिंदुस्तान तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत आगे जा रहा है, बट अभी बहुत लंबी लड़ाई है। और वो लड़ाई जब तक हर घर में हर पुरुष के पास वो समझ नहीं होगी ना, तब तक वो अधूरी रह जाएगी। और वो आपने समझ ली है। अब कहते हैं ना कि कहावत की, अच्छा मैं अकेला दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। और आपने दिखाया भी, आपके टीम के मेंबर्स से जब मैं बात कर रही थी, आपने सूरज का जिक्र किया जो बता रहे थे कि कैसे ऑफिस से न्यूज़पेपर गायब हो जाया करते थे। शुभेंद्र आपकी टीम के मेंबर है। सूरज, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स ये जरूर समझना चाहेंगे कि ये नई उम्र के लड़के हैं, ये नई की लड़कियां हैं जो इस कैंपेन का हिस्सा बन रही हैं, जो इस पहल में इनिशिएटिव लेते हुए साथ हैं, और गांव देहात की महिलाओं तक आप लोग हेल्प पहुंचा रहे हैं। अपना कोई एक्सपीरियंस आप बताइए। मैं फर्स्ट टाइम जब यहां पे आया था, मैंने फर्स्ट टाइम कंपनी ज्वाइन की, तो मतलब लोगों तक गए, लोगों तक सैनिटरी पैड पहले जाते थे, बात करते थे, तो लड़कियां जो थी हमारे एज की, तो वो हमसे खुल के बात नहीं कर सकती थी, तो हमारे गांव के एरियाज में तो पसंद भी नहीं किया होगा कि अच्छा ये लड़के हमारे घर की लड़कियों से बात करेंगे, वो भी इस टॉपिक पर। जी, तो मतलब सब लोग बुरा मानते थे, तो अपनी टीम में जो मतलब गर्ल्स रहती थी, गर्ल्स, तो उनसे हम लोग बोलते थे, तो वो लोग जब लड़की लड़की से बात करती थी तो वो उनकी बातें ऑटोमेटिकली समझ आती थी, तो फिर उन्हें समझाती थी तो मतलब हो जाता था, बात हो जाती थी, समझ जाते थे सब लोग, फिर यूज करते थे हम, उन्हें डोनेट करते थे, देते थे जो भी हमसे होता था, तो ले लेती थी, फिर नहीं डरती थी। फिर अगली बार अगर हम ही अकेले जा रहे हैं और अगर हमारे टीम की गर्ल्स नहीं है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली मतलब हाथ से ले लेती हैं, और उन्हें फिर डरने की जरूरत नहीं होती, वो नहीं डरती हैं दोबारा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में, उन्हें बताने में। शुभेंद्र, आप जब खासतौर से मैं गांव के इलाकों की बात करूंगी, क्योंकि शहर में सब अवेयर हैं, सब जानते हैं, गांव के एरियाज में जब आप जाते हैं तो वही दरवाजा खुला, पहले पुरुष आएंगे घर के, हाँ क्या काम है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, इसीलिए आप अपनी टीम के जो गर्ल्स हैं उन्हें आगे कर देते हैं, फीमेल्स को आगे कर देते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होती होगी शुरुआत में, लेकिन बाद में लोग समझने लगते हैं जब रेगुलर आप लोग जाते हैं, राउंड लगते हैं आपके। मैम, ऐसा होता है कि पुरुषों को पुरुष समझाने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, और महिलाओं के लिए हमारी फीमेल कोऑर्डिनेटर्स रहती हैं, वो पिच करती हैं पहले। और लोगों का गरीब इलाकों और गांव के इलाकों में सबसे मेजर दिक्कत लोगों के साथ ये है, उनकी मतलब मेंटालिटी की, अगर हम कुछ देने जाएं या कुछ बात करने जाएं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ बेच रहे हैं या ऐसी चीज है, क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले बताना पड़ता है कि नहीं, हम फ्री में देने आए हैं, जो भी है। जब हम बताते हैं कि ये आपकी चीजों के लिए है, आपकी आप ही के लिए है, इससे आपका क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, अभी आप जो कर रहे हो उससे क्या क्या नुकसान है, आपके घर की फीमेल के लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको कैसे आपका मतलब फीमेल्स का साथ देना चाहिए, अपनी बहन, अपनी वाइफ, अपनी मम्मी का कैसे। गुरवानी, ये जो अंडरगार्मेंट्स डोनेट करने का कैंपेन था, किस पर्पज से था? जैसे कि सब ने एक्सपीरियंस किया, एक बार टीम जाती है, टीम को जाके एक बार पता चलता है, एक घर है, घर में 5 लेडीज हैं, मतलब मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आप कह सकते हैं, बच्चियां टोटल करके 6 लेडीज हो गई। उन्होंने बोला कि हमारे घर में 3 अंडरगार्मेंट्स हैं, तो आप पैड दोगे भी तो हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि एक टाइम पे जो जिसका महीना चल रहा है वो ही अंडरवेयर यूज करेंगी, ठीक है, तो जब अंडरगार्मेंट्स ही नहीं है तो इसको लगाएंगे किसने, हम कपड़ा यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पे सर को ये ज़रूरी लगा कि मेजर जो जो चीज़ चाहिए पहले वो देते हैं, तो वहाँ से सर को आइडिया आया कि हमें एक इस मुहिम में जाना चाहिए। बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है मदन जी, और मैं चाहूंगी आपके टीम मेंबर्स ऐसे ही बढ़ते रहें, और जो आपका लक्ष्य है कि हर गांव हर गली तक महिलाओं को अवेयर करना है, महिलाओं को अवेयरनेस मिलेगी तभी वो इस तरह की गंभीर बीमारियों से दूर होंगी।
हेल्दी भारत होगा जब महिलाएं हेल्दी होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खूबसूरत और अच्छे एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूं कि आज गांव देहात में बैठी हुई जो महिलाएं देख रही होंगी और इस डिस्कशन को सुन रही होंगी, अब उनकी जो झिझक के पर्दे हैं वो खुल जाएंगे और अपनी सेहत पर वो फोकस कर पाएंगी। हम महिलाएं के आज के इस बेहद खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।